तो आज यूपी, उत्तराखंड और गोवा में वोटिंग हुई है और मतदाताओं ने तीनों जगह, यूपी में तो दूसरे चरण का मतदान था लेकिन उत्तराखंड और गोवा की सभी सीटों पर मतदान हुआ, आज बढ़ चढ़कर हिस्सेदार हुए हैं, बने हैं वहां के स्थानीय वोटर्स। उत्तर प्रदेश में आज दूसरे चरण के लिए वोटिंग हुई, इस दौरान 9 जिलों की 55 सीटों पर मतदान हुआ। वोटर्स ने 586 उम्मीदवारों की किस्मतें तय कर दी हैं। यूपी में दूसरे चरण में 61% से ज्यादा मतदान हुआ है। वहीं उत्तराखंड की बात करें तो यहां सभी 70 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले गए। इसके साथ ही 632 प्रत्याशियों की किस्मत उत्तराखंड में ईवीएम में कैद हो गई है। शाम 6 बजे तक राज्य में 60% से ज्यादा लोगों ने वोटिंग की थी। अब तक जो आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक पिछली बार के मुकाबले इस बार कम वोटिंग हुई है। 2017 में 64.8% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। और गोवा की बात करें तो यहां भी सभी 40 सीटों के लिए मतदान हुआ है। 301 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। शाम 6 बजे तक यहां पर 78% मतदान हुआ है। गोवा में हमेशा से ही ठीक ठाक मतदान होता आया है, इस बार यहां बहुकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, तो यहां की लड़ाई बड़ी दिलचस्प हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस के साथ ही आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और बहुत सारे छोटे दल यहां पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो जैसा हमने आपको कहा कि यूपी में तो दूसरे चरण का रण था और उसमें कई उम्मीदवारों की किस्मत जो है वो ईवीएम में कैद हो गई है। खास तौर से यूपी में तो बड़ा दिलचस्प समीकरण है। इस बार जितनी भी सीटें दूसरे चरण में है, 50% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता है उनमें, लेकिन उत्तराखंड में चूंकि समस्त सीटों पर मतदान आज हो चुका है, एक ही चरण में था, वहां के क्या समीकरण है जरा समझने की कोशिश करते हैं। उत्तराखंड राजनीतिक लिहाज से है तो छोटा सा स्टेट लेकिन राजनीतिक लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। 2022 की जंग इस बार अगर देखें तो इस बार कुल वोटिंग प्रतिशत जो है वो लगभग 60% के आसपास है। जैसा हमने आपको बताया कि पिछली बार के मुकाबले ये जो वोटिंग प्रतिशत था ये लगभग 64% के आसपास था, इस बार 60% के आसपास वोटिंग हुई है। हालांकि इस पर कुछ रिवीजन हो सकता है बट फिलहाल इसे कहा जाएगा कि पिछली बार के मुकाबले कम हिस्सेदारी वहां के वोटर्स ने निभाई, लेकिन 60% एक ठीक ठाक मतदान प्रतिशत कहा जाएगा। इस बार कुल प्रत्याशी जो है मैदान में वो 632 हैं और इन 632 प्रत्याशियों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो गई है। लगभग 1.25 करोड़ के आसपास की आबादी है उत्तराखंड की और उसमें कुल मतदाता अगर आप देखें तो 42 लाख से ज्यादा मतदाता है। और आज इन मतदाताओं ने जैसा कि हमने आपको बताया 632 प्रत्याशियों की किस्मत जो है ईवीएम में कैद कर दी है। 2017 में किस तरह के समीकरण थे उत्तराखंड में, ये भी आपको समझा लेते हैं। देखिए कुल सीट जो है वो 70 सीटें हैं। बीजेपी को पिछली बार प्रचंड बहुमत मिला था और राज्य के इतिहास में 2000 में यूपी से अलग होकर उत्तराखंड अस्तित्व में आया था और तब से लेकर अब तक किसी भी पार्टी को मिली सबसे ज्यादा सीटों का जो आंकड़ा था वो बीजेपी के पास 2017 के चुनावों में मोदी लहर, एक प्रचंड मोदी लहर चली थी। त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया गया था, उसके बाद उनको बदलकर दो सीएम वहां पर बदलने पड़े बीजेपी को। तीरथ सिंह रावत आए, उसके बाद धामी साहब आए, लेकिन वो प्रचंड बहुमत उसकी बात हम बाद में करेंगे। लेकिन फिलहाल कांग्रेस को अगर आप देखें तो कांग्रेस सिमट गई थी सिर्फ 11 सीटों पर, अन्य के खाते में 2 सीटें गई थी। तो ये था 2017 का चुनावी समीकरण उत्तराखंड का। अब इस बार क्या खास रहे उत्तराखंड के चुनाव में वो आपको बताते हैं। देखिए बीजेपी ने पुष्कर सिंह धामी पर दाम लगाया, वो भी चुनाव के ठीक 6 महीने पहले। जैसा हमने आपको बताया त्रिवेंद्र सिंह रावत का लगभग 4 साल का कार्यकाल, उसके बाद तीरथ सिंह रावत आए, उनका 6 महीने का कार्यकाल रहा, वो भी नहीं चल पाए, उनको आलाकमान ने बाहर का रास्ता दिखाया और उसके बाद धामी जो कि युवा हैं उन पर दाम लगाया। तो पुष्कर सिंह धामी क्या बीजेपी की नैया पार लगाएंगे, इस पर सबकी नजरें। 3 मुख्यमंत्री बदले, लोगों में मिलीजुली राय है, कॉन्फिडेंस प्रचंड बहुमत के बावजूद बीजेपी 3 मुख्यमंत्रियों को बदलना पड़ता है बीजेपी को, यह सवाल बार बार बीजेपी से पूछा जाता रहा, खास तौर से चुनाव के ठीक 1 साल पहले तक जब मुख्यमंत्री बदलने की प्रक्रिया शुरू हुई। तो उससे पार कैसे पाएगी बीजेपी, इस पर सबकी नजरें हैं। बीजेपी और कांग्रेस एक खास जो फोकस रहा है वो कुमाऊं मंडल पर। कुमाऊं मंडल इसलिए हम कह रहे हैं, देखिए 2 मंडल हैं, गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल। कुमाऊं मंडल पर इसलिए क्योंकि बीजेपी के दिग्गज नेता और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुमाऊं मंडल से आते हैं और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस की तरफ से जिन्होंने कमान संभाली हुई है हरीश रावत, वो भी कुमाऊं से आते हैं। तो सबकी नजरें फिलहाल कुमाऊं पर है, हालांकि बहुत सारे दिग्गज नेता गढ़वाल मंडल में भी हैं, लेकिन अब क्योंकि कांग्रेस के सीएम चेहरा वर्सेस बीजेपी के सीएम, उस पर जब सबका फोकस तो कुमाऊं में है और कुमाऊं में कहा जाता है कि कांग्रेस का खासा दबदबा है, तो वहां पर बीजेपी मशक्कत कर रही है अपने जनाधार को बढ़ाने की। तो इसके अलावा
इस बार जो खास है आम आदमी पार्टी और उकरान जैसे उकरान यानी कि उत्तराखंड क्रांति दल जिसको कहा जाता है कि इसी की अगुवाई में उत्तराखंड पृथक आंदोलन की राह प्रशस्त हुई थी, लेकिन वो एक राजनीतिक मकाम आज तक उत्तराखंड बना नहीं पाया उत्तराखंड क्रांति दल। लेकिन इस बार दमखम के साथ उत्तराखंड क्रांति दल प्रदेश की आत्मा अपने आप को कहता है उत्तराखंड क्रांति दल। तो इस बार क्या उत्तराखंड क्रांति दल पर लोग अपना भरोसा दिखा पाएंगे? और आम आदमी पार्टी जो कर्नल कोठियाल के नेतृत्व में सीएम का चेहरा उन्हें घोषित कर दिया गया है, कर्नल कोठियाल काफी लोकप्रिय व्यक्ति हैं, केदारनाथ का जो पूरा का पूरा पुनर्निर्माण का कार्य हुआ उनकी देखरेख में हुआ, सेना के बैकग्राउंड से आते हैं, तो हर वो बात उनमें है जो एक सीएम कैंडिडेट में होनी चाहिए और इसी पर दाव आम आदमी पार्टी ने लगाया था। लेकिन क्या ये दाव सही साबित होगा ये उत्तराखंड में देखने वाली बात होगी। तो ये हमने पूरा उत्तराखंड का आपको बताया, अब जरा फटाफट से चलते हैं गोवा, क्योंकि गोवा में भी आज 40 सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है और गोवा का जो रण है वो हमेशा से दिलचस्प रहा है। 2017 के चुनाव तो खास तौर से दिलचस्प रहे, तो किस तरह से वहां पर राजनीतिक समीकरण है वो आपको बता देते हैं। कुल सीटें गोवा में 40 सीटें हैं। अगर आप बीजेपी को देखेंगे तो देखिए 13 सीटें बीजेपी को 2017 में मिली थी, कांग्रेस के खाते में आई थी 17, अन्य के खाते में आई थी 10। अब आप देखिएगा यही जो नंबर है ना यही गोवा की सारी कहानी बयां करते हैं। गोवा में इस बार बीजेपी की सरकार, लेकिन पिछली बार सिर्फ 13 सीट मिली थी, कांग्रेस बहुमत के करीब थी, बना सकती थी सरकार, 19 सीटों चाहिए वहां पर सरकार बनाने में। दिग्विजय सिंह उस समय चुनाव प्रभारी थे, लेकिन कहा यह जाता है कि कांग्रेस सोती रही और बीजेपी अपना समीकरण को दुरुस्त करते हुए वहां पर सरकार बना ले गई। लेकिन क्या इस बार बीजेपी के लिए वही मौके हैं यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि इस बार खास तौर से बीजेपी के भीतर कई तरह के बहुत सारी समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब आपको आगे बताएं कि किस तरह का वोटिंग प्रतिशत इस बार रहा है, ये देखिए। अब इस बार की जंग में देखिए कुल वोटिंग प्रतिशत जो हमने आपको बताया लगभग 75% के आसपास से ज्यादा, बहुत अच्छा वोटिंग प्रतिशत रहता है, बड़े जागरूक वहां के मतदाता कहे जाते हैं। इस बार बीजेपी ने सभी 40 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, कांग्रेस ने गठबंधन के साथ 37 सीटों पर अपने और कुछ गठबंधन के साथ उतारे, और अन्य देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अन्य देखिए इस बार 224 अन्य हैं और इसमें छोटी छोटी पार्टीज हैं और यही छोटी छोटी पार्टीज बीजेपी और कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाती हुई नजर आ रही हैं। तो ये बीजेपी और कांग्रेस के लिए जो राह मुश्किल लग रही है वो इसी वजह से लग रही है कि छोटे छोटे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वहां पर, चाहे गोवा फॉरवर्ड पार्टी हो या वहां पर दूसरी तरह की पार्टियां हो, वो इस बार समीकरणों को बदल सकते हैं। इस बार खास क्या है ये भी आपको दिखा देते हैं। इस बार खास में देखिए बीजेपी के लिए तो सबसे बड़ी मुश्किल पैदा हुई है वो भीतरी घात भी हो चुका है। और अब आप कहेंगे कि जी बिजनेस किस तरह की बात कर रहा है कि गोवा चुनाव में इस बार मनोहर पर्रिकर फैक्टर इस बार अहम फैक्टर रहने वाला है। स्वर्गवासी हो चुके हैं मनोहर पर्रिकर, उनका निधन हो गया, लेकिन उनका नाम इस बार खासा चर्चाओं में है राजनीतिक गलियारों में, खासकर बीजेपी के लिए। देखिए गोवा मनोहर पर्रिकर की बहन ने भी आरोप लगाया कि बीजेपी ने इस बार समझौता किया है अपनी जो परंपरा रही है और जिस सोच के साथ मनोहर पर्रिकर बीजेपी को आगे ले जाना चाहते थे, कांग्रेस के तमाम लोगों को बीजेपी के स्टैम्प पर या कहीं कि चुनाव चिन्ह पर टिकट दे दिया गया, तो इससे खासी तौर पर नाराज हैं मनोहर पर्रिकर के जो बेटे हैं उत्पल पर्रिकर, उनको भी टिकट नहीं दिया। तो एक तरह से मनोहर पर्रिकर का ये चुनाव जो इस बार इर्द गिर्द घूम रहा है उनके नाम पर। इसके अलावा बीजेपी विरोधी वोटों के लिए गोवा फॉरवर्ड पार्टी अब कांग्रेस के साथ आ गई है, ये एक बड़ा फैक्टर कहा जा रहा है कि क्या वो इस बार बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा करेगा। इसके साथ साथ इस बार गोवा चुनाव में आपने देखा होगा कि टीएमसी आम आदमी पार्टी का बड़ा रोल है। आम आदमी पार्टी तो पिछली बार भी काफी अच्छी खासी टक्कर देती हुई नजर आ रही थी, लेकिन इस बार ममता बनर्जी ने बड़े चेहरों के साथ उतरने की कोशिश की और इसी वजह से कहा जा रहा है कि वहां पर अब त्रिकोणीय नहीं चतुष्कोणीय नहीं बहुकोणीय मुकाबला हो गया है। और ये छोटे दलों की जिनकी हम बात कर रहे थे, छोटे दलों की भरमार है और इसकी वजह से बीजेपी कांग्रेस का खेल बिगड़ सकता है और ये छोटे दल इनके जो प्रत्याशी हैं निर्दलीय हैं वो कभी बीजेपी में कभी कांग्रेस में, तो एक तरह का कंफ्यूजन है। अब बीजेपी ने वहां पर हिंदुत्व का कार्ड खेलने की कोशिश तो की है, लेकिन गोवा में 25% ईसाई और 67% हिंदू है, लेकिन वहां के लोग जो हैं उनमें हिंदुत्व का कार्ड चलेगा या नहीं चलेगा ये कहा जाता है कि थोड़ा सा कहना मुश्किल है। तो देखते हैं इस बार गोवा में किस तरह के चुनावी समीकरण है, लेकिन फिलहाल जब हमने आपको बताया कि 75% के आसपास की वोटिंग वो किस तरफ हवा का रुख करेगी या ऊंट किस तरफ किस करवट बैठेगा वो देखने वाली बात होगी, लेकिन